नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। औरंगाबाद जिले में जाम की समस्या से निपटने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सदर ईओ संतोष कुमार और नगर थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारी दल बल के साथ सड़क पर उतरे और रमेश चौक से लेकर सिन्हा कॉलेज मोड़ तक सड़क के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहन को जब्त करते हुए थाना भेज दिया और जुर्माना वसूलते हुए कड़ी नसीहत देते हुए छोड़ दिया। मोकामा घुसबरी जिला परिषद का चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से परवान चढ़ गया है। इस पद के लिए तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार की पत्नी निशा कुमारी ने भी जनता का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश तेज कर दी है। घुसबरी प्रखंड में सरकारी योजनाओं को पूर्ण रूपेण धरातल पर उतारने का जज्बा संजोय निशा कुमारी ने जनता से समर्थन की चाहत का इजहार किया है। पछताने पर मजबूर कर सकती है तो पछताने से पहले हाथ में भी आपकी सेवा करती आई है। याद रखिए मतदाता साथियों, चुनाव का ये दौर है, इस दौर में कितने ही प्रत्याशी आपके पास। विजय कुमार मैं निशा कुमारी घोसवरी प्रखंड पंचायत से जिला परिषद में खड़ी हूँ और मेरा मुद्दा है कि मैं विकास करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत विकास का ज़रूरत है। हर पंचायत में मैं घूम रही हूँ और देख रही हूँ कि कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए मैं जब बन जाऊँगी, मैं जीत जाऊँगी तो पूरा भरसक प्रयास करूँगी और जो भी करप्शन है करप्शन रहित मैं काम करूँगी। आप लोग साथ दें और यहाँ पे सिर्फ विकास ही होगा और जो भी युवा वर्ग के हैं उनके लिए शिक्षा चिकित्सा जहाँ भी संभव हो हर संभव मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो भी दुख सुख होगा उसमें मैं साथ रहूँगी, खड़ा रहूँगी और उनके हक के लिए लड़ूंगी। बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं प्रत्याशियों ने जनसंपर्क से अपना ताकत झोंक दिया है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से जिला परिषद सदस्य के पद पर विवेक गौतम ने दुलारपुर, ताजपुर, जयंती ग्राम सहित अन्य जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से जीत का आशीर्वाद मांगा। यही सब विकास है। फंड है, हम कहीं से ला सकते हैं। एजुकेशन के मामले में कुछ नहीं है, एजुकेशन मामले आरी छाप है, 10 लाख आशीर्वाद दीजिए। भगवान का धुन लगल तो लगल रहो। हाँ सर, अरे छाप जिंदाबाद। आपका खेत का नेता कैसा हो, विवेक गौतम कैसा हो, अरे छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद।
बटन दबाइयो एजेंडा विकास विकास विकास, जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां हम विकास पहुंचाएंगे और 24 घंटा हम जनता मालिक के सेवा में रहने वाले हैं। मुझे कभी भी रात हो या दिन हो, बरसात हो या आंधी हो, तूफान हो, जब भी कोई जनता मालिक हमको याद करते हैं उनकी सेवा में हम रहते हैं। आज से नहीं, हम विगत 25 साल से उनके सेवा में रह रहे हैं और जीतने के बाद भी हम जनता के बीच रहेंगे। फिर यही मेरा है कि हे जनता मालिक, आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी सेवा में रहे, आपकी हर मांग को पूरा करे, आपके निरंतर विकास के लिए, आपके सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ रहे। और मैं जनता मालिक से ही आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे नेक इंसान को चुनिए जो आपसे कदम से कदम मिला के साथ चले और आपके हर दुख सुख में साथ रहे। विवेक गौतम, देखिए उम्मीदवार तो ये चुनाव है, लोकतंत्र है, सभी लोगों को खड़ा होने का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। एक ये जिला परिषद की चुनाव है, ये ना वार्ड की चुनाव है ना मुखिया की चुनाव है। जिला परिषद में कई गांव हैं, आप अभी जहां पर खड़ा हैं ये समूचा देख रहे हैं कि ये गरीबों की है, ये हमारे माताएं बहनें सारे लोग यहां पर हैं और यहां विकास का काम जो होना चाहिए वो सरकार के द्वारा हो रहा है। सरकार आप देख रहे हैं पक्की सड़क है, सारे चीज़ हैं, लोगों का जो अधिकार मिलना चाहिए, बहुत सारे अभी घर जो अभी कच्ची के घर है, बहुत सारे घर टाट के घर हैं, सभी का मिलना चाहिए। इनका पहला अधिकार, जो जितने भी योजना है उनमें पहला अधिकार इनका होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का यही काम होता है कि जिनका पहला अधिकार है उनको मिलना चाहिए। अब तक अभी सभी घर पक्के के होने चाहिए थे, प्रधानमंत्री जी का पूरा ये सोच है कि सारे जो कच्चे घर हैं सबको पक्का होना चाहिए। हमारे जो उम्मीदवार हैं विवेक गौतम जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह आड़ी छाप है, ये विवेक गौतम जी 2 दशक से चुनावी ये में भाग नहीं लिए हैं लेकिन राजनीति में सक्रिय हैं, समाज सेवा में सक्रिय हैं। आज पहली दफ़ा इन्होंने राजनीति में आकर के लोगों को सेवा करने का अपना मन बनाया है। और अब बात करेंगे सुपौल के एक वायरल वीडियो की, जहां पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान एक युवक यह कहता दिखा कि नहीं दीजिएगा साथ तो बीच सड़क पर मार देंगे गोली। सुनिए अपने मुख्य प्रत्याशी के लिए इस दबंग समर्थक की अपील। तो आपकी बार रमेन मुखिया को ही सरकार बनाना है जो बात है, बस वो देख लीजिए प्रतिनिधि जी, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सहयोग कर रहे हैं, बस सही का साथ दीजिए, गलत का साथ मत दीजिए, जो भी गलत का साथ दीजिएगा उसको बीच रोड के गोली मारेंगे, जो भी गलत का साथ दीजिएगा उसको बीच रोड के गोली मारेंगे। एक जुलूस के साथ नामांकन के लिए गया था, कहीं रास्ते में रोक कर वो अपने असामयिक सहयोगियों के साथ मिलकर बुलवा रहे हैं कि इस बार रमेन सरकार बनाना है, जो रमेन सरकार नहीं बनाएंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि उसको बीच सड़क पर गोली मार देंगे। जो वीडियो मेरे मोबाइल पर भी मिला, देखने के बाद हम प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वनिर्वाचित पदाधिकारी, सदर थाना सुपौल को आवेदन दिया 30 तारीख को। हम भयभीत हैं, हमारे परिवार के सभी लोग भयभीत हैं, प्रचार प्रसार करने से डरते हैं, आम मतदाता मालिक भी भयभीत हो चुके हैं कि यदि हम लोग कुछ बोलते हैं तो क्या क्या कुछ हो सकता है। हम लोग काफ़ी भयभीत हो गए हैं। अभी तक आवेदन के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुआ इसके संबंध में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हम लोग घर पर बैठे रहते हैं, ढंग से प्रचार नहीं कर पाते हैं, पता नहीं प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे या घर में बैठे रह जाएंगे डर के मारे। मैं आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी प्रशासन को भी देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है इसमें जो भी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर FIR किया जाए, कार्रवाई किया जाए और हमको सुरक्षा दिया जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा, हमारे प्रत्याशी पत्नी को सुरक्षा दिया जाए, आम नागरिक को सुरक्षा दिया जाए, आम मतदाता को सुरक्षा दिया जाए कि वो भयमुक्त होकर अपना मत का प्रयोग कर सके और सही
अच्छे उम्मीदवार का चयन कर सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता है प्रशासन द्वारा तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का हत्या है, प्रशासन की कमजोरी है। नौबतपुर के विक्रम से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां हरियाणा के नंबर वाले ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया। बताया गया कि विक्रम थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर छापेमारी की गई, जो ट्रक के एयर कंडीशनर से करीब 2800 से अधिक लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। मामले में ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के मायापुर गांव में दो बच्चों की मां की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दरअसल महिला की पहले पिटाई की गई, फिर लकड़ी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की भी कोशिश की गई। वहीं अकबरपुर थाने के पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतका की सास मौके से फरार हो गई। बेटी के मार दिया है दोनों मिलकर माय पुत, हमको बेटी के मार के नहीं और सुता दिया है, हमको फोनों तक कल नहीं कर रहा है कि हाँ बेटी तुमका मर गया है। हमको जहाँ तहाँ से फोन मिल गया है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पर तो देखें कि हमको बेटी मरल है। ढोड़ा दाब के नहीं, लकड़ी दाब के नहीं मार दिया हमको लड़की को, लकड़ी से दबा करके गला और मार दिया है। मार दिया है, हमारा है मनोज। मनोज कौन है? मनोज राजवंशी पति है, अशरण राजवंशी पिता है उसका मनोज के, और उसका सास कोशिला देवी है। मृत का आप कौन हुए? मृत का हम यही हुआ कि बाल बच्चा दो पैसा मांगता था खाने पीने के लिए, वही बोला है तो मारा है, गला दबा के मारा है। क्या नाम है आपका? मोकामा में घोसवारी प्रखंड की कुम्हरा पंचायत में मुखिया पद का चुनाव प्रचार काफी पड़वान चढ़ गया है। इस पद के तमाम उम्मीदवारों ने जनता का दिल जीतने की हर मुकम्मल कवायद तेज कर दी है। युवा तुर्क रंजन कुमार ने भी अपने अपार समर्थकों के साथ पंचायत की गलियों में हर घर दस्तक दी है और जनता से समर्थन की गुहार लगाई। पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और जनहित कार्यों को धरातल पर उतारने के संकल्प के साथ रंजन कुमार ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। क्या मुद्दा है? जनता के बीच जा रहे हैं, क्या समस्या है? जनता का जो समस्या है आज तक मुहैया नहीं हुआ। हम लोग को जो इंदिरा आवास मिलता है गरीब लोगों को 50,000-60,000 लेकर के सबको पिलिंथे तक छोड़ दिया जाता है, और जो गरीब नीचे से रेखा से नीचे लोग हैं उनको किसी प्रकार का राशन वगैरह ढंग से नहीं मिल पाता है। ना तो राशन कार्ड है, ना तो मेरा गली नली सही से है। मेरे गांव का ऐसा सिचुएशन है, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। यहां पंचायत में कोई आज तक देखने वाले आज तक नहीं आए। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं नीचे से ऊपर तक, वीडियो सीओ जो भी हैं हमारे, आज तक हम लोग को किसी प्रकार का मुहैया नहीं करवाए। हम शहरी गांव के रंजन कुमार हैं। हमारे गांव जल से घिरा हुआ है, और मेरा मुद्दा एक ही, हम गरीबों का नेता है, हम गरीबों का भाई है, गरीबों का बेटा है, हम गरीब के साथ हमेशा रहेंगे और गरीब का साथ ही है। नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक मेरा गरीब का ही साथी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।